पढ़ने में एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा वाली अच्छा नहीं लग रहा था। कैमरा वाला फूड ट्रक इस दिन, मतलब कैमरा के शेप वाला फूड ट्रक। खुशी जब ये पहली बार बोली तो उस दिन तो मेरे को लगा कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे कि बाबा क्या सोच है, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो सबका प्यार है एक्चुअली हम लोग उसको कुल्लड़ में सर्व करते जो कि मिट्टी की खुशबू है, तो दोनों को ही मिला दिया तो कुल्लड़ पिज्जा बना दिया। हाँ, कुल्लड़ का चाय एक रहता है कि पसंदीदा रहता है, लेकिन कुल्लड़ का पिज्जा पहली बार सुना है। बहुत खुशी है, बहुत यूनिक है, इसलिए हम लोग ट्राई करने आए यहाँ पे। किस चीज के वेट में है? बस वही कुल्लड़ पिज्जा। कुल्लड़ पिज्जा है, कुल्लड़ पास्ता है, कुल्लड़ कॉफी है, कुल्लड़ मोमोज है। मैंने कभी नहीं डरा क्योंकि मेरे बेटी पर मेरे को बहुत ट्रस्ट था। मिथिला का पान मखान और राजधानी का पकवान मशहूर होता जा रहा है। मिथिला में ऐसा कहा जाता है कि जब अतिथि यानी जो मेहमान आते हैं उन्हें पान और मखान दिया जाता है ताकि वो खुशी खुशी मेहमान मेज़बान के घर से लौट जाए। लेकिन राजधानी में पकवान का जो चलन है वो कोविड-19 के बाद ज़्यादा बढ़ा है। आपने देखा होगा कि राजधानी में MBA चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली और इस तरह के कई ऐसे जो है चाय के स्टॉल लगे, फूड ट्रक बना। लेकिन आज हम आपको एक अलग तरीके का दिखा रहे हैं। ये राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाका बोरिंग रोड में है जहाँ पर कैमरा वाला फूड ट्रक बनाया गया है। हालांकि इसकी जो ऑनर है वो कैमरा वाला नहीं बल्कि कैमरा वाली कहा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी मिसाल कि लड़कियाँ घर संभालने के साथ साथ दुकान भी संभाल रही हैं, लोगों की सेवा भी कर रही हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा आते हैं। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर क्या है, किस तरह का सबसे बेहतर आइटम यहाँ पर मिल रहा है कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगती है, हम उनसे खुद ही बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा आइटम है कि यहाँ जो उनके कस्टमर है, जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे जो अच्छी बात लग रही है वो ये है कि कुल्हड़ में जो है वो दिया जा रहा है, जो चीज़ें हैं वो कुल्हड़। मैम कब शुरू किया था आपने ये? 17 अप्रैल को। कहाँ से आइडिया आया कहाँ से आपके पास? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ बाय प्रोफेशन, एंड ये मेरा नया वेंचर है जो कि फूड जॉनर में है। तो मैंने ये दोनों को कोलैब कर दिया, जो कि कैमरा जो हमारा मेन एलिमेंट होता है फोटोग्राफी के लिए, और फूड जॉनर जो फूड ट्रक है, तो हमारे नाम रख दिया कि कैमरा वाला फूड ट्रक। कैमरा जो होता है वो 100 चीज़ों को एक बार बयान कर जाता है, तो कैमरा वाला लिखा आपने, वाली क्यों नहीं लिखा? ऐसे पढ़ने में एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा वाली अच्छा नहीं लग रहा था। कैमरा वाला फूड ट्रक इस दिन, मतलब कैमरा के शेप वाला फूड ट्रक, मतलब ऐसा। ये सबसे स्पेशल क्या है? पिज्ज़ा के बारे में बड़ी चर्चा है आपकी। कुल्लड़ पिज्ज़ा बहुत फेमस है हमारे यहाँ। हम लोग पिज्ज़ा जो सबका प्यार है एक्चुअली हम लोग उसको कुल्लड़ में सर्व करते जो कि मिट्टी की खुशबू है, तो दोनों को ही मिला दिया तो कुल्लड़ पिज्ज़ा बना दिया। कुल्लड़ में और क्या क्या मिलता है? कुल्लड़ पिज्जा है, कुल्लड़ पास्ता है, कुल्लड़ कॉफी है, कुल्लड़ मोमोज है, बस यही चार आइटम है अभी तो। जमीन की मिट्टी की खुशबू जो है वो खाने में आ रही है। एग्जैक्टली, वो प्रॉपर एकदम अच्छा खुशबू आता है आपके, आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। सपोर्ट मिला लोगों की तरफ से, परिवार की तरफ से? ऐसा कहा गया कि नहीं करना है, बच्ची है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में बहुत सपोर्ट है मेरे लिए, मेरी मम्मी पापा सब लगे हुए हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट। क्या नाम है आपका? रोशनी जैन। तो आपने सुना कि इनको फोटोग्राफी का शौक है और इस शौक़ को उन्होंने एक तरह से ट्रक में बदल दिया जहां लोगों के लिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है यहां पर। अच्छा, आप उनकी मम्मी हैं? हेलो, क्या मतलब, जब ये आइडिया इन्होंने दिया कि हम खोलना चाह रहे हैं तो आपने क्या बताया, दिमाग में क्या आया? एक बार तो लगा कि क्या कर रही है पता नहीं, हम लोग तो इस फूड में कभी आए नहीं इस जगह, तो लेकिन मैं जानती थी कि जिसकी सोच हमेशा ऊँची रही है तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। एक माँ का सपोर्ट अगर बेटी को मिलता है तो वो दुनिया फतह कर लेती है, हमने देखा है हिंदुस्तान की बहुत ऐसी बेटियाँ हैं। जब ये फोटोग्राफर के लाइन में गई थी तो जब लोग आते थे इससे मिलने तो बोलते तुमसे नहीं मिलना है, तुम्हारी मम्मी से मिलना है, इस लाइन में तुमको कैसे सपोर्ट की है। लोग डरते थे कि रात में बेटियाँ घर से बाहर जाती है तो डर रहता था। मैंने कभी नहीं डरा क्योंकि मेरे बेटी पर मेरे को बहुत ट्रस्ट था, इसलिए मैंने उसको हमेशा सपोर्ट किया। जो मेरे को नहीं मिला मैंने सोचा मैं सब कुछ उसको दूँ। माँ की दुआएं, माँ का सपोर्ट, कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी। जब ये पहली बार बोली तो उस दिन तो मेरे को लगा कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे कि बाबा क्या सोच है, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए जो भी है तुम करो बस। उनके पापा भी हैं, माँ का तो बहुत सपोर्ट था, आपने भी सपोर्ट किया था क्या? फुल सपोर्ट है, हमारी बच्ची है, उसका जो भी मन में हुआ उसने किया और अच्छा लगा। आमतौर से समाज में कहा जाता है कि लड़कों को ज़्यादा आज़ादी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरी दो बेटी है,
दुकान कितने से कितने बजे तक खुली होती है? सुबह 12 बजे से रात में 12 बजे तक। तो आपने सुना के मम्मी और पापा क्या क्या? अच्छा कोई नहीं, माँ और बाप दोनों का प्यार है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, युवा हैं, जो आते हैं शाम के वक्त। कैसा मतलब लग रहा है, इसके बारे में सुना या फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं? हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अभी तो ऑर्डर किया, अभी देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है इसका। कहा जाता है कि पिज्जा के बारे में लड़कियाँ ज्यादा पसंद करती है, तो यहाँ कुल्हड़ में पिज्जा मिल रहा है, इसलिए आ गई। हाँ, कुल्हड़ का चाय एक रहता है कि पसंदीदा रहता है, लेकिन कुल्हड़ का पिज्जा पहली बार सुना है, तो हम लोग चलो ट्राई करते हैं पहली बार। पिज्जा के मजा के साथ मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू भी है वो मेनू में है अभी, मिट्टी की खुशबू। तो वही है, मिट्टी की खुशबू से हमारा कुल्हड़ पिज्जा है, तो उसके लिए ही आए हैं देखने के लिए। ये कौन सा कुछ और है जो युवा है, क्या खा रहे हैं आप? पता नहीं, आपने ऑर्डर नहीं किया था? कहाँ से आ गए हम? आया कहाँ से? अंदर से। क्या बोला आपने, क्या चाहिए? ऑर्डर ये क्या है? अच्छा, आपने ऑर्डर किया है, क्या था? शेक। कैसा लगा, आपने खाया? हाँ, बहुत मस्त था। नया है पटना में अपने तरीके का ये? जी, तो नया नहीं है, बस कुल्हड़ पिज्जा जो है वो बस नया है, वो पसंद है जी। ये तो नॉर्मल ब्राउनी है, उसको जार में भर दें, वही चीज़ है। कॉन्सेप्ट नया है बस। कॉन्सेप्ट नया जी जी। राजधानी में लगातार खाने पीने का नया कॉन्सेप्ट जी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और एक्टर चाय वाला, फिर उधर है क्या नाम है उसका, ग्रेजुएटेड चाय वाली, इधर एक आया कैमरा वाला ट्रक। अच्छा, अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है राजधानी पटना में, अच्छी बात है ये। आप लोग भी खाने आए क्या यहाँ? जी जी जी। क्या सुन के या क्या समझ कर? सुना है कि पहली बार खुला है गर्दा पटना, और गर्दा पटना में मैंने सुना कि इसके बारे में कि ऐसा ऐसा यहाँ पे खुला है, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं इस बार। कुल्हड़ में पिज्जा मिल रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत यूनिक है, इसलिए हम लोग ट्राई करने आए यहाँ पे। कहा जाता है कि लड़कियों को जो है पिज्जा से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। बिल्कुल सही कहा जाता है, हमें बहुत प्रेम है पिज्जा से। सर्च करते रहते हैं कहाँ पे क्या मिलेगा, पर खाना है क्या मिल रहा है। आप बताइए, आप क्या खाने आई है? हम भी पिज्जा ही ट्राई करने आए, बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते कैसा होता है, बट कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, किस चीज के वेट में है? बस वही कुल्हड़ पिज्जा। लड़के भी पिज्जा खाते हैं क्या? अरे बिल्कुल, 20-25 मिनट से वेट कर रहे हैं हम तो। अच्छा, तब इतनी भीड़ है, इसलिए मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा है, अभी जाके बोली जो 5 मिनट और लगेगा। आप बताइए कैसा लग रहा है, दुकान का नाम कैमरा वाला और पिज्जा कुल्हड़ में? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा नाम भी अच्छा है, और कैमरा वाला इसका डिजाइन जो बना हुआ है तो वो भी अच्छा हुआ है। और बिहार में फर्स्ट टाइम क्या भूख ज्यादा लगी है? खाने क्या है? बस कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने का। बहुत देर से वेट कर रहे बेचारा, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। इंतजार कीजिए, आएगा, इंतजार का फल मीठा होता है हमेशा। जरूर जरूर जरूर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आकार बना है कैमरा वाला फूड ट्रक, वो बिल्कुल कैमरे के जैसा है। कैमरे की एक जबानी, एक तस्वीर, एक कहानी होती है, और ये जो लड़की है उसके दिमाग में पहले से भी ये बात था, कैमरा से प्यार था, फोटोग्राफी जो है इसका वो पेशा था, लेकिन इसने कहा कि इसको कॉन्सेप्ट बनाया जाए, रोज़गार से जोड़ा जाए। तो आपने सुना जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं राजधानी पटना से, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे यूनिक जो है वो कुल्हड़ में पिज़्ज़ा मिल रहा है, और यही सोच करके हम यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हेडलाइंस बिहार के लिए सीमा बख्तर की।